गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन साइंस क्लास। कल हम लोग फीडर्स के बारे में बात कर रहे थे कि बर्ड्स के फीडर कितने टाइप्स के होते हैं। तो कल हमने बात किया कि बर्ड्स के बॉडी में 4 टाइप्स के फीडर होते हैं। अब उनका नेम कैसे आपको लर्न करना है, 4 टाइप्स के फीडर, बहुत ईजी है। चूँकि बर्ड्स के पास क्या होती है, बॉडी होती है, इसलिए उनके पास एक बॉडी फीडर होता है। चूँकि बर्ड्स फ्लाई करते हैं, इसलिए उनके पास एक फ्लाइट फीडर होता है। बर्ड्स के पास चूँकि एक टेल भी होती है, इसलिए उनके पास एक टेल फीडर होता है और एक फीडर होता है डाउन फीडर। ठीक है, बॉडी फीडर और फ्लाइट फीडर्स के बारे में हमने पढ़ा। बॉडी फीडर्स उनकी बॉडी को एक जो है बॉडी का एक शेप देते हैं। ठीक है, फ्लाइट फीडर्स उनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। डाउन फीडर्स ये जो है फ्लफी होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और ये उनकी बॉडी को वार्म रखते हैं। ठीक है, लास्ट है टेल फीडर्स। बर्ड्स के पास टेल फीडर्स भी होते हैं जो कि उनको स्टीरिंग एंड ब्रेकिंग स्टीरिंग का मतलब होता है बर्ड्स को किसी भी डायरेक्शन में मुड़ने में हेल्प करते हैं। ब्रेकिंग मतलब उनको स्टॉप, रुकने में हेल्प करते हैं, कहीं पे ठहरने में हेल्प करते हैं। सम मेल बर्ड्स हैव लॉन्ग और ब्राइटली कलर्ड टेल फीडर्स। कुछ जो मेल बर्ड्स होते हैं उनके पास बहुत ही ब्राइटली चमकीले और कलर्ड टेल फीडर्स होते हैं, जिससे वो फीमेल्स बर्ड को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको 4 टाइप्स के फीडर्स दिए हुए हैं। ये आपका डाउन फीडर होता है जो सबसे इसकी साइज स्मॉल होती है। ठीक है, ये आपका बॉडी फीडर होता है जो बॉडी को, बर्ड्स की बॉडी को एक शेप देता है। और ये जो डाउन फीडर्स होते हैं ये फ्लफी और बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। एक होता है फ्लाइट फीडर्स, ये काफ़ी लंबे होते हैं, ये बर्ड्स की बॉडी को फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। और ये जो होते हैं ये, इन्हें हम बोलते हैं टेल फीडर्स। ये काफ़ी शाइनिंग होती है, इसमें कलर्ड होते हैं। ठीक है, और ये जो है इनकी हेल्प से ही ये बर्ड्स अपनी बॉडी को किसी भी डायरेक्शन में मोड़ लेते हैं और अपने आप को लैंड करने में बर्ड्स को लैंड करने में भी ये जो टेल फीडर्स होते हैं बर्ड्स की हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे फीडर्स का टॉपिक आपका क्लियर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने समझा कि बर्ड्स के बॉडी में कितने फीडर्स होते हैं, कौन कौन से जो फीडर होते हैं वो बर्ड्स को किस तरह से हेल्प करते हैं, ये हमने जाना। अगला जो टॉपिक है बर्ड्स फ्लाइट, मतलब बर्ड्स का उड़ना। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बर्ड्स की जो फीडर्स होते हैं, बर्ड्स की जो बॉडी होती है किस तरह से उनको हेल्प करती है उड़ने में। तो बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स। पहली चीज़ कि जो बर्ड्स होते हैं वो विंग्स की हेल्प से फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं। द विंग्स ऑफ अ बर्ड मेक 2 मूवमेंट्स। बर्ड्स का जो विंग होता है उसमें 2 तरह के मूवमेंट होते हैं, नेमली द अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक। एक होता है अप स्ट्रोक और एक होता है डाउन स्ट्रोक। ठीक है, तो बर्ड्स की बॉडी में कितने मूवमेंट होते हैं, 2 मूवमेंट, एक अप स्ट्रोक और एक डाउन स्ट्रोक। अप स्ट्रोक में क्या होता है, उनके जो फीडर्स होते हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं, और डाउन स्ट्रोक में क्या होता है, उनके जो फीडर्स होते हैं वो नीचे की तरफ आते हैं। आपने देखा होगा कि बर्ड्स जो अपने फीडर्स होते हैं वो अप डाउन करते रहते हैं। ठीक है, जिसकी हेल्प से ये जो है एयर में इजिली जो है फ्लाई करते हैं। इट इज क्वाइट लाइक हाउ वी मूव आवर आर्म्स व्हेन वी स्विम। ये ठीक ऐसे ही होता है जैसे हम वाटर में स्विम करते हैं। जब हम वाटर में स्विम करते हैं तो अपने हाथों को आगे और पीछे ले जाते हैं, जस्ट लाइक इनके जो फीडर्स होते हैं वो अप डाउन होते हैं। ओके, तो ये आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि बर्ड्स के बॉडी में जो फीडर्स होते हैं उसकी हेल्प से ये कैसे उड़ते हैं, वो उनमें जो है 2 तरह का मूवमेंट होता है। कौन कौन सा मूवमेंट होता है, अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक। वॉट मेक्स अ बर्ड फ्लाई, वो कौन सी चीज़ है जो बर्ड्स की बॉडी को फ्लाई करने में हेल्प करती है। तो ए बर्ड्स बॉडी इज वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग।
पहली चीज़ की जो बर्ड्स की जो बॉडी होती है ना बहुत ही स्वीटेड होती है, मतलब इस तरह से जो है बनाई गई होती है कि उनको फ्लाई करने में बहुत ही सूटेबल होता है। कैसे? पहली चीज़ की ए बर्ड्स बॉडी इज बोट शेप्ड। बर्ड्स की जो बॉडी होती है उसका शेप कैसा होता है? बोट शेप्ड, ठीक है। दिस हेल्प्स इट टू कट थ्रू द एयर ईजली। अब ये क्या करता है? ये हेल्प करता है टू कट थ्रू द एयर ईजली। इसकी वजह से उन बोट शेप में इनकी जो बॉडी होती है उसकी वजह से क्या होता है, ये एयर को ईजली कट कर पाते हैं, है ना। मतलब एयर जो है उनकी बॉडी को जो है रोक नहीं पाती है, वो एयर को का जो फ्लो होता है उसको आसानी से वो क्लियर कर जाते हैं। इट्स बोन्स आर लाइट एंड होलो। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, उनका जो बोन्स होता है बर्ड्स का वो कैसा होता है? होलो होता है, ठीक है। ये अंदर से खोखला होता है इनका जो बोन्स होता है, और बहुत ही हल्का होता है। दिस मेक्स इट्स बॉडी वेरी लाइट एंड सुटेबल फॉर फ्लाइंग। इसकी वजह से क्या इनको बेनिफिट मिला कि इनकी जो बोन्स हो गई वो हल्की हो गई, ठीक है। हल्की होने की वजह से ये और इजली जो है मूव कर पाते हैं। ए बर्ड हैज विंग्स इंस्टेड ऑफ आर्म्स। हम लोग में क्या होता है, हम लोग की बॉडी में आर्म्स होते हैं, बट बर्ड्स की बॉडी में आर्म्स नहीं होते हैं, आर्म्स की जगह पे विंग्स होते हैं, ठीक है। इनके विंग्स ही आर्म्स होते हैं उनके। द विंग्स आर जॉइंट टू इट्स बॉडी विथ वेरी स्ट्रॉन्ग मसल्स। अब इनके जो विंग्स होते हैं इनकी बॉडी से जॉइंट होते हैं, और इनका जो मसल्स होता है जहाँ पे ये जॉइंट करते हैं विंग्स, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब वो उसको हम लोग चेस्ट मसल्स बोलते हैं इनका, ये कह सकते हैं उनकी जो चेस्ट मसल्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। हेल्प द विंग्स टू फ्लाई अप एंड डाउन। ये उनके विंग्स को अप और डाउन फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। इट्स टेल हेल्प्स इट टू चेंज डायरेक्शन विल फ्लाइंग। और इनके जो टेल्स होते हैं, मतलब जो इनकी पूंछ होती है, वो क्या करता है इनके डायरेक्शन को, जब ये उड़ते हैं तो जब इनको अपने डायरेक्शन को चेंज करना होता है उस टाइम पे इनका जो टेल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये बर्ड्स जो है बहुत ही ईजली फ्लाई कर पाते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने जाना बर्ड्स के फीदर्स के बारे में, और बर्ड्स कैसे फ्लाई करते हैं उसके बारे में, और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके पहले आपने पढ़ा था कि बर्ड्स के पास कितने बीक्स होते हैं, तो बर्ड्स के पास जो है उनकी शेप और साइज के अकॉर्डिंग 5 टाइप्स के बीक होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई हैं, और ओके, थैंक यू।